कटिहार में एक और निर्माणाधीन पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल इस बार कटिहार जिले के समेली प्रखंड में एक निर्माणाधीन पुल भरभराकर गिर गया है। बगिया नया टोला और डुम्बर के बीच बन रहे पुल के मलबे में दबकर 5 मजदूर जख्मी हो गए। पुल के गिरने के बाद भारी तादाद में गाँव के लोग जमा हो गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत RCC पुल का निर्माण किया जा रहा था। करोड़ों रुपए की लागत से इस RCC पुल का निर्माण किया जा रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि पुल बन जाने से आवाजाही में आसानी होगी, लेकिन सरकारी बाबुओं की लापरवाही की वजह से निर्माण से पहले ही पुल भरभरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि पुल के मलबे में दबने से 5 मजदूर जख्मी हो गए। ग्रामीणों की मदद से जख्मी मजदूरों को पूर्णिया के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। न्यू मस्जिद न्यू ईदगाह ये है मस्जिद, न्यू मस्जिद इसको कहते हैं। ये ईदगाह भी है। ये न्यू मस्जिद न्यू ईदगाह, और ये साइड जो है बांध पर बकरी में पड़ता है। ये साइड करमतपुर 17 नंबर वार्ड। चार आदमी घायल, एक बच्चे की तलाश। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ढलाई के दौरान ये पुल अचानक भरभराकर जमींदोज हो गया। पुल के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। मलबे की चपेट में आने से जख्मी हुए 5 मजदूरों को ग्रामीणों ने मदद की है। आनंद फानन में सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुल गिरने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुल के गिरने के बाद DM उदयन मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार के बोझ से बिहार का एक और पुल ध्वस्त हो गया। इससे पहले भी सूबे के कई पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बिहार में पुल टूटने की घटनाओं पर हैरानी जाहिर की थी, लेकिन एक बार फिर पुल के भरभराकर गिरने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।